बसमिल्स आज हम बनाएंगे एप्पल जैम घर पर वो भी बगैर किसी केमिकल के और ये बहुत ही मज़े का बनता है एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अब हम अपनी रेसिपी को जो है वो बनाना शुरू करते हैं तो वेट के हिसाब से मेरे पास दो सौ ग्राम सेब हैं और इनके अब यूँ करेंगे कि छिलके उतार लेंगे तो छिलके मैं यहाँ पर पिलर से रिमूव कर रही हूँ आप चाहें तो छूरू से भी कर सकते हैं तो छिलके उतारने के बाद इनको दरमि से कट करेंगे अब इनको दरमिन् से कट करेंगे और इसके बाद इसके जो सेंटर में बीज वाला जो पार्ट होता है सेब के उसको हम छुरी की मदद से रिमूव कर देंगे और यूँ छुरी को जो है वो सेब के सेंटर वाले पार्ट में थोड़ा सा पुश करेंगे अंदर की तरफ और उसके बाद इसे राउंड अबाउट घुमाएंगे तो अंदर वाला जो पार्ट है सेंटर वाला बीजों का वो पास आसानी से जो है वो बाहर निकल आएगा सेब को जो है वो बारीक कतलों में काट लेंगे और अब एक पैन लेंगे और उसमें जो जो हमने कतले काट के रखे हैं सेब के वो ऐड कर देंगे डेढ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे और फ्लेम जो है वो नीचे से ऑन कर देंगे पैन को ऊपर से कवर कर दें और जो है फ्लेम को नीचे से हाई कर दें और जब इनमें उबाला आ जाए यानी कि सेब में उबाला आ जाए तो तब इसका फ्लेम जो है वो नीचे से लो कर दें और बिल्कुल दम वाली आंच पे इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए पका लें ये 15 से 20 मिनट की जो टाइमिंग है वो सेबों के गलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है सेब बहुत अच्छे से जो है वो इस टाइमिंग में गल जाते हैं तो पानी जो है वो बहुत अच्छा सा ड्राई हो चुका है तो अब एक सेब को जो है वो चम्मच की मदद से चेक कर लें तो ये देख रहे हैं आपके सेब जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं अब चम्मच की मदद से सेबों को अच्छी तरह से मैश कर दें और नीचे से फ्लेम जो है वो फ़िलहाल ऑफ़ कर दें और सेबों को जो है वो मैश करने के बाद अच्छी तरह से अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे चीनी यहाँ मैंने ली है जो वो सौ ग्राम है और यानी कि दो ग्राम मेरे सेब थे और सौ ग्राम इसमें मैंने चीनी ऐड की है जितनी क्वांटिटी के सेब होंगे आप उसे हाफ क्वांटिटी की इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अब इसमें मैंने एक टीस्पून स्पून सिरका ऐड किया है ऐड करने के बाद इसे मजीद दो से तीन मिनट के लिए या जब तक जब तक के जैम का पानी खुश नहीं हो जाता तब तक पका लें और इसे यूँ प्लेट में डाल के चेक कर लें कि ये थिक हो गया इसका है इसका पानी वगैरह बिल्कुल ड्राई है इसे एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं तो हमारा मज़ेदार होम मेड केमिकल फ्री जैम बिल्कुल तैयार है आप इसे चाहें तो एक से दो माह के लिए इसे महफूज़ भी कर सकते हैं तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में अल्लाह हाफिज़